मोहम्मद अज़हरुद्दीन शेख, आज हम देखेंगे MSCIT जॉब रेडीनेस का डेटा एंट्री ऑपरेटर इलेक्टिव सेशन। डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो ये डेटा एंट्री के तौर पर जो क्वेश्चंस है, रोल ऑफ डेटा एंट्री ऑपरेटर्स वगैरह के, इसके क्वेश्चनिंग यहाँ पर है। क्वेश्चन है, द OCR टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू मेक डिजिटल फॉर्मेट फ्रॉम द हार्ड कॉपी ऑफ अ डॉक्यूमेंट और एडिट अ डिजिटल डॉक्यूमेंट, डिजिटलाइज डॉक्यूमेंट। हियर OCR स्टैंड्स फॉर, तो OCR जो टेक्नोलॉजी होती है सवाल के मुताबिक, तो वो कहा गया है कि वो डिजिटल फॉर्मेट बनाती है हार्ड कॉपी से डॉक्यूमेंट की, या फिर एडिट करने काम में आती है एक डिजिटाइज डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पर OCR का फुल फॉर्म क्या होगा, क्या वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, या ऑफिशियल कैश रेट है, या ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट है, या फिर ऑफिशियल कैरेक्टर रूल है। तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो स्कैनिंग के टाइप्स होते हैं OCR, OMR और MICR, यानी OMR यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, मार्क्स की निशानदही, और ये कैरेक्टर्स की निशानदही करता है, और डिजिटल फॉर्मेट से हार्ड कॉपी में बना, हार्ड कॉपी से डिजिटल फॉर्मेट बनाता है। MICR जो होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वो बैंक्स में यूज़ होता है, जो चेक होते हैं उसके बॉटम में लिखा होता है। तो यहाँ पर हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द ट्रांसक्राइबिंग और टाइपिंग डॉक्टर्स रिपोर्ट्स फ्रॉम डिक्टेटेड ऑडियो फाइल्स। ट्रांसक्रिबिंग कह सकते हैं, या फिर टाइपिंग डॉक्टर्स जो टाइप करने के लिए काम में आएंगे रिपोर्ट्स डिक्टेट करके ऑडियो फाइल्स, यानी कि ऑडियो फाइल्स से जो बनती है डॉक्टर्स की रिपोर्ट ट्रांसक्रिबिंग, तो वो क्या कहलाती है। तो चूँकि ये मेडिकल का टर्म है और डॉक्टर्स रिपोर्ट इससे तैयार होंगी, तो इसीलिए यहाँ पर से हम मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन ये लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा डेटा एंट्री का सेक्शन है, और इसमें आप अगर कहीं पर जॉब करते हैं तो वहाँ पर डेटा एंट्री टाइप में ये चीज़ें आपको मालूम होना ज़रूरी है। ये सारी सहूलतें हैं, जैसे कि OCR जो था हार्ड कॉपी से वो कन्वर्ट कर देगा डिजिटलाइज फॉर्मेट में, और उसी तरह से जो मेडिकल की रिपोर्ट के लिए ऑडियो से रिकॉग्नाइज करके मेडिकल का जिस तरह से रिपोर्ट्स बनेंगी, ये सारा तब काम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग डेटा एंट्री यू नीड टू लुक फॉर डेटा करेक्टनेस बाय मेकिंग आउट द मिसिंग फील्ड्स। आप अगर डेटा एंट्री कर रहे होते हैं जब, तो आपको ज़रूरत होती है चेक करने की करेक्टनेस, मार्क करने से मिसिंग फील्ड्स, क्या मिसिंग है, क्या डेटा लग रहा है, क्या छूट रहा है, ये सारा आपको चेक करना होगा सही है या गलत। तो डेटा एंट्री के टाइम पर हमें करेक्टनेस डेटा चेक करना होगा, मिसिंग फील्ड्स, तो ये सही है, ज़रूरत इसकी पड़ेगी। नेक्स्ट है बैंक डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ से KYC वगैरह क्या होता है आप बाद में देख सकते हैं। फॉर्म की एंट्रीज का है, फॉर्म की एंट्रीज कैसे करें, पब्लिकेशंस का कैसे करें, उसी तरह से अब एडवांस स्किल्स है ओपन ऑफिस राइटर की। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑफिस राइटर का जो है क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि टेक अ चैलेंज नंबर 4th है। व्हाइल टाइपिंग इन ओपन ऑफिस राइटर यू कैन डिलीट अ वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द इंसर्शन पॉइंट बाय प्रेसिंग डैश। जब आप टाइप कर रहे होते हैं ओपन ऑफिस राइटर की तरह, जैसे कि हम वर्ड वगैरह में भी लिखते हैं, उसी तरह से एक ओपन ऑफिस राइटर होता है, तो जब हम डिलीट करते हैं वर्ड लेफ्ट साइड से इंसर्शन पॉइंट के, तो उसके लिए हमें क्या प्रेस करना होगा, क्या हम बैक स्पेस की दबाएंगे, या फिर अल्ट प्लस बैक स्पेस की दबाएंगे, या फिर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस की दबाएंगे, या फिर अल्ट प्लस डिलीट की दबाएंगे। तो चूँकि हम जानते हैं कि लेफ़्ट साइड से डिलीट करने हम बैक स्पेस की दबाते हैं, लेकिन अब ये पूरा वर्ड डिलीट करना है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल दबाकर बैक स्पेस की दबाना होगा, तो वो लेफ़्ट साइड का सारा वर्ड डिलीट कर देगा। तो ये उसका शॉर्टकट में भी आप लिख कर रख सकते हैं वर्ड डिलीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन ऑफिस राइटर का,
while entering the data, you might accidentally delete some data. Which option will you use to undo this action? जब आप इंटर कर रहे हैं डेटा तो आपका डेटा डिलीट हो सकता है, कुछ डेटा एक्सीडेंटली डिलीट हो सकता है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे इसे अनडू करने के लिए? ऑप्शन तो कट अगर हम करते हैं तो मूव होगा एक जगह से दूसरी जगह, डेटा एक्सेल हो या फिर किसी भी जगह हो, कॉपी अगर हम करते हैं तो दोनों जगह रहेगा वो डेटा जो भी हम वर्ड वगैरह सेलेक्ट करें, और अनडू से जो होगा तो वो वापस पहली हालत में आ जाएगा, इसलिए अनडू है। यहाँ पर ऑप्शन में भी एक हिंट है, अनडू दिस एक्शन, अनडू का ऑप्शन यूज़ होता है। रीडू यानी कि वापस से वही कर देना, यानी कि आपने बैक लिया था अब उसे वापस लेना है, तो कंट्रोल प्लस वाई से भी होता है अनडू, कंट्रोल प्लस जेड दबाकर हम अनडू कर सकते हैं, और रीडू के लिए कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, और कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए हम शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपन ऑफिस यहाँ पर कैलकुलेटर टाइप में है। यू हैव इंटर्ड डेटा इन अ सेल, आपने यानी कि अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हो तो आपने एक सेल में डेटा इंटर कर दिया है, एंड नाउ यू वांट टू इंटर डेटा इन द नेक्स्ट सेल फ्रॉम द सेम रो। अब आपको उसी सेम रो में, यानी कि रो यानी कि आड़ी जो लाइन होती है वहाँ पर वो होता है, तो उसके नेक्स्ट सेल में हमें इंटर करना है डेटा, तो कौन सी की का कीबोर्ड से आप यूज़ करेंगे मूव करने अगले सेल में, सेम रो के रोज़ यानी कि जो आड़ी इस तरह से होंगी और कॉलम्स यानी कि खड़े होते हैं, और एक डब्बे को सेल कह सकते हैं सिंपली, तो हमें यहाँ पर एक रो से दूसरी रो में जाना है, यानी कि ई है उसके बाजू, तो ऐसी डायरेक्शन में जो है तो रोज़ होते हैं और खड़े में ये कॉलम्स, तब हमने समझ लीजिए यहाँ पर ई है उसके बाजू जाना है, तो हम इसमें से कौन सा यानी शॉर्टकट की से हम कैसे जाएंगे कीबोर्ड से बिना माउस का यूज़ करें, क्या हम इंटर की दबाएंगे या नेक्स्ट एरो की दबाएंगे? नेक्स्ट एरो की यानी कि नेविगेशन कीज जो होती है लेफ़्ट राइट, तो उसमें से जो नेक्स्ट एरो की है नेक्स्ट राइट साइड की वो दबाएंगे, या फिर अल्ट की दबाएंगे, या फिर टैब दबाएंगे, इनमें से हमें क्या करना होगा? तो हम सिंपली टैब दबाने के बाद अगली रो के नेक्स्ट रो के सेल में, जो सेम रो है उसके नेक्स्ट सेल में जा सकते हैं। अगला सवाल, इन ओपन ऑफिस कैलकुलेटर यहाँ पर व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक स्प्रेडशीट। ओपन ऑफिस कैलकुलेटर टाइप में कैलकुलेशन जो भी होगा इसका, तो उसमें कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा यूज़ होगा न्यू ब्लैंक स्प्रेडशीट लेने के लिए, यानी अगर हम एक्सेल में वगैरह कहीं पर काम कर रहे हैं तो हमें एक स्प्रेडशीट लेना है ब्लैंक, उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट प्रेस करेंगे? आमतौर से हम कंट्रोल प्लस एन जो इस्तेमाल करते हैं तो वो न्यू के लिए होता है, चाहे वो वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, या फिर नोटपैड की फाइल हो, कंट्रोल प्लस एन से हम न्यू फाइल या न्यू वर्कशीट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश, अ डैश क्रिएट्स टाइप डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिक्टेटेड और रिकॉर्डेड साउंड फाइल्स। अगर हमें एक डिक्टेट किए हुए या फिर रिकॉर्डेड साउंड फाइल है उसके ज़रिए जो डॉक्यूमेंट बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या वो कॉपीराइटर है या ट्रांसलेटर है, ट्रांसक्रिप्शंस है, ट्रांसक्रिप्शनिस्ट, या फिर कॉपी टाइपिंग टाइपिस्ट, क्या कहते हैं उसे? तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जिन्हें हम रिकॉर्डेड या डिक्टेटेड है साउंड फाइल से जो बनाएंगे डॉक्यूमेंट उसे हम ट्रांसक्रिप्शनिस्ट कहेंगे। वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर उसके अंदर यूज़ होगा जिससे वो वॉइस रिकॉग्नाइज करेगा। इसके अलावा अब गूगल ट्रांसलेट का कुछ यहाँ पर है, अब एक यहाँ पर जैसे यूट्यूब पर उस पर भी एडवर्टाइजमेंट चल रहा है ग्रामरली ऐप का, तो कभी कभार ऐसा होता है जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे जनरल नॉलेज में यूज़ हो सकते हैं। तो जैसे कि यूट्यूब पर ग्रामरली बोलकर एक ऐप है जो आते रहता है यूट्यूब पर, तो यहाँ पर जनरल नॉलेज के तौर पर वो आया है कि ग्रामरली इज़ एन ऐप दैट ऑटोमेटिकली डिक्टेट्स डैश एरर्स। इनमें से ग्रामरली जो ऐप है वो क्या डिक्टेट करता है, इनमें से कौन से एरर डिक्टेट करता है, क्या वो स्पेलिंग डिक्टेट करता है या ग्रामर या फिर पंक्चुएशंस या फिर ऑल ऑफ दिस या सारे? तो ये ग्रामरली सारा पंक्चुएशंस यानी कि कॉमा कहाँ छूट रहा है,
वो सारा स्पेलिंग ग्रामर एज वेल एज ये सारा डिक्टेट करता है ये ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गूगल ट्रांसलेट ऐप ट्रांसलेट्स योर स्पीच और टेक्स्ट टू द डिज़ायर्ड लैंग्वेज। गूगल ट्रांसलेट का जो ऐप होता है या फिर हम गूगल में जब जाते हैं ट्रांसलेट जो ऑप्शन आता है वहाँ से हम स्पीच या टेक्स्ट को एक डिज़ायर्ड लैंग्वेज यानी कि जिस लैंग्वेज में हम चाहते हैं उसमें हमें ट्रांसलेट करके देता है, सही है या गलत। तो हम इसे ट्रू करेंगे, गूगल ट्रांसलेट हमें ट्रांसलेट करके देता है। तो ये था हमारा MSCIT जॉब रेडनेस का इलेक्टिव सेशन डेटा एंट्री ऑपरेटर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।